हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नेट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक सीरीज शुरू करने वाले हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सो वी ऑल नो दैट मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर स्ट्रक्चर, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर, वो बाहर से कैसे दिखते हैं, उनका मॉडिफिकेशन कैसा है, कहाँ से वो ओरिजिन होते हैं, वो सब के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बेटा जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट अवेलेबल हैं, दे शोज द लार्ज डाइवर्सिटी इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड द मॉर्फोलॉजी। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट अवेलेबल हैं उन सब में बेटा बहुत सारे डाइवर्सिटी होती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उनका लीफ देखो तो डिफरेंट, उनका स्टेम देखो तो डिफरेंट, उनके फ्लावर के कलर डिफरेंट, पेटल्स डिफरेंट, तो सब में लार्ज डाइवर्सिटी है। बट सब में क्या क्या होता है बेटा, ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट पजेस द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड द फ्रूट। मीन्स ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट पजेस द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड द फ्रूट। ऑल्सो वी नो दैट अगर बेटा हम किसी भी प्लांट को अगर हम जमीन से निकाल देंगे बेटा, तो आप देखेंगे उसमें रूट दिखेंगे, स्टेम होगा, लीव्स होंगे। अगर वो अपने फ्लावरिंग फेज में चला गया है बेटा, तो उसमें फ्लावर भी होंगे और कई बार उसमें फ्रूट भी होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वन मोर थिंग बेटा हम जो यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड द लीव्स। यानी उसके नॉर्मल फंक्शन के अलावा भी ये जो सारे प्लांट है बेटा, जैसे रूट का नॉर्मल फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स। उसके अलावा रूट जो है बेटा वो फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। ओके, तो एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट, प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज, यानी अलग अलग जो पार्ट है बेटा, रूट, स्टेम और लीव्स, उसके नॉर्मल फंक्शन के अलावा वो दूसरे कामों के लिए, वो दूसरे फंक्शन के लिए भी हेल्प करता है। तो वो सारे पॉइंट हम ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो है रूट। तो एग्जैक्टली बेटा रूट क्या है। ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द रूट प्लांट, कोई भी बेटा टिपिकल अगर आप प्लांट ले लो, आप अगर उसको पुल आउट करते हो तो उसमें आपको क्या दिखेगा, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, ये सारे पार्ट प्लांट में होते हैं। रूट कहाँ पर होता है, तो वी ऑल नो दैट रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट। स्टेम कहाँ होता है बेटा, इट इज द अबोव ग्राउंड पार्ट। तो आपको यहाँ पर एक टिपिकल फ्लावर, टिपिकल प्लांट का आपको एक यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है बेटा, और उसमें ये है रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या है बेटा, तो रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट होते हैं, सेकेंडरी रूट होते हैं एंड दैट इज बिलो द ग्राउंड। ओके, और दूसरा जो पार्ट है बेटा, दैट इज द शूट सिस्टम, और शूट सिस्टम इज अबो द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर है। तो शूट में कौन कौन सी चीजें होती है बेटा, तो शूट में आप देखो कि उसमें फ्लावर होंगे, फ्रूट होंगे, स्टेम होगा, लीफ होगा, नोड्स, इंटर नोड्स, बर्ड्स, दिस ऑल आर द पार्ट प्रेजेंट इन द शूट सिस्टम। यानी अगर आप किसी भी टिपिकल प्लांट का अगर बेटा आप स्ट्रक्चर देखो, तो अंडरग्राउंड जो पार्ट होगा दैट इज नोन एज द रूट सिस्टम, और पोर्शन अबोव द ग्राउंड इट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम बेटा। क्लियर, अब हम बात करते हैं बेटा रूट के बारे में। तो रूट, वी ऑल नो दैट रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट कैसा है बेटा, इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्रॉम वेयर द रूट इज डेवलप, रेडिकल। नाउ व्हाट इज रेडिकल बेटा, अगर आप कोई भी प्लांट है बेटा आपके पास, ये उसका सीड है, और वो सीड को अगर आप सॉइल में शो कर रहे हो बेटा, तो ये जो सीड है बेटा ये क्या है, सीड। जब सीड जर्मिनेट होगा तो उसमें एक पार्ट होगा दैट इज नोन एज द प्लूम्यूल बेटा। इसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। और एक नीचे की तरफ एक पार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल। जो प्लूम्यूल है बेटा वो क्या करता है, प्लूम्यूल गिव्स राइज टू डेवलप द स्टेम। प्लूम्यूल क्या डेवलप करेगा बेटा, वो स्टेम डेवलप करेगा, उसके ऊपर छोटे छोटे लीफ भी डेवलप होंगे बेटा। तो प्लूम्यूल डेवलप द स्टेम और द शूट सिस्टम। और जो बेटा रेडिकल होगा, द नाउ द रेडिकल इज डेवलप द रूट सिस्टम बेटा। रेडिकल में से क्या डेवलप होगा, तो इट विल डेवलप द रूट सिस्टम, और उसमें छोटे छोटे सेकेंडरी रूट भी होंगे, रूट हेयर भी होंगे। सो वी ऑल नो दैट रेडिकल इज द पार्ट फ्रॉम वेयर द रूट सिस्टम अराइज बेटा। ओके, तो रूट इज डेवलप फ्रॉम द
रेडिकल बेटा। ओके अब देखो रूट कैसा होता है बेटा, तो दैट इज पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिक, वो जमीन के अंदर है इसलिए उसको पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिक बुलाते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव टू हाइड्रोट्रॉपिक, यानी पानी की तरफ है, जमीन के अंदर है इसलिए उठो पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव टू हाइड्रोट्रॉपिक। बट वो लाइट से कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव टू फोटोट्रॉपिक। मोस्ट ऑफ द केसेस द रूट डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल बेटा, यानी उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, दैट्स वाई इन नॉर्मल केसेस द रूट कैन नॉट एबल टू सिंथेसाइज द फूड, यानी नो फोटो सिंथेसिस। इन नॉर्मल केसेस में बेटा जो रूट होता है वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेता है। ओके तो बेटा रूट अंडरग्राउंड पार्ट है, रेडिकल में से अराइज होता है रूट, वो पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिक है, पॉजिटिव टू हाइड्रोट्रॉपिक है एंड नेगेटिव टू लाइट यानी फोटोट्रॉपिक है, और उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन टू द फोटोसिंथेसिस। ओके नाउ बेटा आगे देखें रूट सिस्टम, तो देर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ द रूट सिस्टम, आपको यहाँ डायग्राम भी दिख रहा है, सारे डायग्राम डिफरेंट है। ओके तो देखो हमने एक बात डिस्कस किया बेटा, रेडिकल में से जो रूट अराइज होता है दैट इज कॉल्ड द टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम इज अराइज फ्रॉम द रेडिकल। ओके तो देखो पहला है बेटा टैप रूट सिस्टम, तो टैप रूट सिस्टम क्या है आपको डायग्राम से भी पता चलेगा, टैप रूट सिस्टम जो है उसमें रूट जो होता है बेटा दैट इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल और वो थीक होता है। ओके दूसरा है बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम, दैट इज फर्स्ट वन इज टैप रूट सिस्टम, सेकंड है फाइब्रस रूट सिस्टम। और जो फाइब्रस रूट सिस्टम है आपको यहां दिख रहा है बेटा प्लांट में सब जो रूट है वो कैसे है, फाइबर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और थर्ड है बेटा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, थर्ड वन इज एडवेंटेशियस रूट। तो बेटा एडवेंटेशियस रूट का मतलब क्या है? एडवेंटेशियस रूट मतलब द रूट ओरिजिन अदर देन द रेडिकल। ओके दे आर ओरिजिन अदर देन रेडिकल, यानी बेटा रेडिकल के अलावा अगर किसी भी पार्ट में से रूट डेवलप हो रहा है देन इट इज नोन एज द एडवेंटेशियस रूट। यहां आपको दिख रहा है बनियन ट्री बेटा, उसके ब्रांच में से, उसके जो ब्रांच है बेटा ब्रांच में से रूट डेवलप हो रहा है, दिख रहा है आपको, तो ब्रांच में से रूट डेवलप हो रहा है दैट्स वाई दे आर नोन एज द एडवेंटेशियस रूट। नाउ लेट अस डिस्कस दी ऑल थ्री टाइप्स ऑफ द रूट सिस्टम बेटा। सो फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम, आपको डायग्राम में दिख रहा है टैप रूट सिस्टम। मोस्ट ऑफ द केसेस द टैप रूट सिस्टम इज फाउंड इन द डाइकोटिलेडन प्लांट बेटा, किसमें होता है? डाइकॉट प्लांट में टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है बेटा, देखो ये अगर रूट है तो रूट इज इलोंगेटेड एंड इट बिकम थीक, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। और बेटा टैप रूट जो होता है वो कहां से ओरिजिन होता है? रेडिकल में से ओरिजिन होगा, टैप रूट इज ओरिजिन फ्रॉम द रेडिकल। और ये बेटा क्या है? तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। और ये प्राइमरी रूट के ऊपर से बहुत सारे सेकेंडरी रूट भी डेवलप होंगे बेटा, तो दिस ऑल आर दी सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट में से भी छोटे छोटे रूट डेवलप होंगे दैट इज टर्सरी रूट। यानी टैप रूट सिस्टम में क्या होता है बेटा, जो मेन रूट जो होता है दैट इज अराइज फ्रॉम द रेडिकल, कहां से अराइज होता है? रेडिकल में से अराइज होता है। सेकेंड पॉइंट है बेटा कि वो जो मेन रूट होता है दैट इज लॉन्ग इलोंगेटेड एंड उसके ऊपर से सेकेंडरी और दी टर्सरी रूट डेवलप होंगे बेटा। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों रूट मिला के जो सिस्टम पूरा बनता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा उसको? टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम कहाँ पर होता है बेटा? तो इट इज फाउंड इन दी मस्टर्ड प्लांट एंड मोस्ट ऑफ द केसेस दे फाउंड इन डाइकॉट, जैसे कैरेट रेडिश बीट ये सब डाइकॉट प्लांट है, तो वो सब में बेटा ये टैप रूट सिस्टम होता है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट है दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम।
सो वेयर द फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड, द फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन मोनोकॉट। टैप रूट सिस्टम था वो डाइकॉट में था, फाइब्रस रूट सिस्टम इन मोनोकॉट। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है बेटा, देखो जैसे प्राइमरी रूट होता है दैट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, दिस इज द प्राइमरी रूट बेटा। और प्राइमरी रूट कैसा होता है, वेरी शॉर्ट लिव्ड यानी छोटा सा ही होता है। और फिर बाद में एडवेंटेशियस रूट डेवलप होते हैं बेटा, और ये जो एडवेंटेशियस रूट डेवलप होंगे दे आर डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। कहाँ से बेटा डेवलप होंगे, तो दे आर डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम में से बेटा वो डेवलप होंगे। ओके, उसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। यानी फाइब्रस रूट सिस्टम में आप देखो प्लांट होगा बेटा, उसमें जो प्राइमरी रूट है वो इलोंगेट नहीं होगा और वो स्ट्रांग नहीं होगा, यानी इसका जो स्ट्रेंथ होगा जमीन के साथ पकड़ के रहने का वो कम होगा। बट इसमें क्या होगा बेटा, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा बेटा। ये कहां पर होता है, तो इट इज मोस्टली फाउंड इन द वीट प्लांट बेटा, इट इज मोस्टली फाउंड इन द वीट प्लांट। यानी ये ज्यादातर मोनोकॉट में होता है बेटा, क्लियर। आगे देखें, द थर्ड रूट सिस्टम इज द एडवेंटेशियस रूट सिस्टम बेटा। तो एडवेंटेशियस रूट सिस्टम में अभी अभी मैंने बताया आपको, अदर देन द रेडिकल, यानी रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट में से अगर रूट डेवलप हो रहा है बेटा, देन इट इज कॉल्ड द एडवेंटेशियस रूट। देखो जैसे ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री, सब में क्या होता है, रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट अदर देन द रेडिकल, यानी रेडिकल के अलावा बेटा किसी भी पार्ट में से रूट डेवलप हो रहा है, देन इट इज नोन एज द एडवेंटेशियस रूट सिस्टम, क्लियर। सो दीज आर द टाइप ऑफ द रूट सिस्टम बेटा। तीनों रूट सिस्टम हमने देखा, टैप रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकॉट, ये कहाँ पर होता है, मोनोकॉट में। टैप रूट में क्या था बेटा, प्राइमरी रूट था वो इलोंगेट हो रहा था और उसके ऊपर से प्राइमरी और दी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट डेवलप होते थे। फाइबरस रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट वेरी शॉर्ट लिव्ड, फिर फाइबर लाइक रूट डेवलप होते हैं बेटा, उसमें सरफेस एरिया बढ़ाता है, और जो फाइबरस रूट है बेटा वो भी बेस ऑफ स्टेम में से अराइज हो रहा है, हमने देखा ना, दे आर अराइज फ्रॉम दी बेस ऑफ स्टेम। यानी बेटा इसको भी हम एडवेंटेशियस रूट बुला सकते हैं, क्योंकि वो भी अदर देन रेडिकल डेवलप हो रहा है। ओके, और एडवेंटेशियस रूट तो हमने देखा कि जो बनियन ट्री में है ब्रांच में से डेवलप हो रहा है, यानी अदर देन द रेडिकल दे आर नोन एज द एडवेंटेशियस रूट, क्लियर। नाउ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रूट, अब बेटा नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द रूट देखे बेटा, सो वी ऑल नो दैट नॉर्मल फंक्शन क्या होता है रूट का, सो इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स। वो क्या करता है बेटा, जमीन में से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। सेकंड है प्रॉपर एंकरेज ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट को बेटा जमीन के साथ प्रॉपरली पकड़ के रखने में हेल्प करता है। और थर्ड है बेटा, इट इज हेल्प इन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसिस करता है। यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है बेटा, जैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं वैसे प्लांट हॉर्मोन भी होते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स भी होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक दो एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं। ओके, तो इसका भी एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्लांट हॉर्मोन्स है बेटा वो रूट में से सिंथेसाइज होते हैं, जो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स उसको बोलते हैं। तो दे ऑल आर सिंथेसाइज इन दी रूट। यानी नॉर्मल फंक्शन क्या है बेटा रूट का, एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सेकेंड प्रॉपर एंकर करके रखता है, एंड थर्ड इट इज हेल्प इन दी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम देखने वाले हैं कि जो रूट है वो कैसे मॉडिफाइड होते हैं और इसके अलावा रूट कैसे काम करते हैं। ओके, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन पहले मिले। थैंक यू, हैव अ गुड डे।